हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का जाट फैमिली में स्वागत है। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये सब शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं और आज है विनायक पूजा। और ये जो रस्म हो रही है ये लगन की रस्म हो रही है, जो लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ भेजी जाती है, जो उसी की पूजा हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूजा होने के बाद में जो घर की जो बुआ या बहन जो बड़ी होती है वो आरती करती है, और इसके बाद में जो बड़े होते हैं उन सब के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि एक नई शुरुआत होती है यहाँ से। इसीलिए दीदी हैं जो पैर छू रहे हैं सबके और सब आशीर्वाद दे रहे हैं। वेलकम बैक टू जाट फैमिली ब्लॉग्स, एक बार फिर से आप सभी का जाट फैमिली में स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज फैमिली प्रोग्राम के अंदर मेरे को व्यस्त होना पड़ा है और मेरे को खाना परोसने की जिम्मेदारी मिली है। और आज खाने के अंदर बना हुआ स्पेशल आप देखा ही है आपने, तो लापसी है और इधर पूड़ी है, और इधर लापसी के साथ कड्डी और दूसरी आइटम एक चीज़ और बनाया है जो आज के खाने के अंदर, वो है सब्जी, मिक्स वेज की सब्जी बनी हुई है। यहाँ पे मम्मी के घर पे चाय बनाने के लिए तो तीन चार कप बनाना है, तो हेल्प करूँ कुछ आपकी? चूल्हे पर नहीं बनाने तो मेरे को तो बहुत सारा मतलब काम करना पड़ा है शादी के अंदर, जरूरी भी है, क्योंकि फैमिली के अंदर जब कोई प्रोग्राम हो तो सबसे पहले फैमिली मेंबर को ही मतलब एक्टिव रहना पड़ता है सारे काम को देखना। जिनकी शादी है वो दीदी बोल रहे थे कि व्लॉग नहीं बनाओगे क्या हल्दी वगैरह का, तो वो बना ही नहीं पाए, तो आगे के वीडियोस में आप लोगों को दिखाएंगे हल्दी का प्रोग्राम। तो कल होने वाला है हल्दी का प्रोग्राम, तो जुड़े रहिए। और आज के जो ब्लॉग के अंदर मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो हल्दी के मतलब दस्तूर था वो जो बांध बैठने का और विनायक पूजन का था, वो तो मैंने करीब करीब शूट कर लिया है और आपके साथ जो मोमेंट मैंने शेयर कर दिए हैं, लेकिन जो हल्दी का जो प्रोग्राम है वो कल आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं वेट कर रहा था उधर, खुशी मतलब ये सारे उधर थे वो पिटी करने के लिए लगे। हाँ, वहीं पे वैसे फोटो तो ली है, अगर फोटो मिल गई ना हमें तो वो फोटो डाल दे। हाँ, एक फोटो मैंने ली है, ये कौन सा था, आईफोन 12 ये 13 ये रिलेवल है। हाँ, तो 12 से ली है फोटो। किसने लिए? ये नहीं पता मेरे को, किसके पास था। तो हाँ, वो फोटो ली है, तो मैं अब मेरे को एक दो दोस्त बनाने पड़ेंगे आईफोन वाले, जो फटाफट वीडियो बनाए और एक मिनट लगे एयर ड्रॉप से फटाक से सारे मोमेंट ले लें। तो अभी खुशी लग रहे हैं चाय बनाने के अंदर, तो मैं खुशी की हेल्प करवा देता हूँ। और यहाँ पे सारे आइटम को ढूंढना पड़ रहा है, मम्मी के कितने व्यवस्थित रखे हुए हैं देखो। मम्मी तो मतलब पूरा इधर पूजा कर बना रखा है मम्मी ने, बहुत प्यारा सा, कितना प्यारा सा, अच्छे से। हाँ, और इधर पूरा सेटअप कर रखा है, और ये चूल्हा बहुत प्यारा ला रखा है मम्मी ने भाई, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मतलब चूल्हे के अंदर इसमें ना लाइटर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चालू हो जाता है, कैसे होगा तो आप करो। अच्छा, मतलब इसके अंदर खुद के अंदर ही लाइटर है जिसकी वजह से आसानी से चालू हो जाता है। तो आप बना देते हैं चाय। कपड़ा बेचे भाभी, भाभी कपड़ा बेचे होती कोई तो कि कौन ज्यादा शॉपिंग करी बताओ सरी। हां सर, दीदी कौन करी ज्यादा शॉपिंग? दीदी तो बोलो, दीदी तो बोलो कुछ। मम्मी करी है ज्यादा। मम्मी सही है। ये ऊपर वाला ड्रेस किसकी है? ये मम्मी की है। ये मम्मी की? हां, ये सारी मम्मी की है। ये भी मम्मी की है। और सबसे सुंदर सा वो मम्मी की है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, इंस्टाग्राम चलाते हैं क्या? हाँ, चलाते हैं। आप अकेले की, आपके दोनों? हाँ, दोनों की बनाते, दोनों की बनाई। लक्ष्य तो बनाएगी? लक्ष्य तो नहीं बना रही, नहीं बना रही, बाहर देख के बंद है गेट। हाँ, बाबू कहाँ फंस गई? अरे कहाँ फंस गया लक्ष्य?
पापा अच्छे रील बनवाएंगे। नहीं जरा तो देख बेटा, तेरी आपकी रील बना दूं मम्मा के दोनों के साथ में। देखो बेटा धूप के अंदर मतलब बहुत सारी आज तो एनर्जी भी डाउन हुई है। धूप इतनी सारी है देखो, पता नहीं कितनी सारी हवा गया। ये देखो इतनी दिवाली धूप है यहाँ पे। और जल्द ही आपको मम्मी के घर का रिव्यू भी देंगे। तो अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं वापस हमारे घर की तरफ। कितनी देर लगाओगे? बस 10 मिनट। 10 मिनट बोलना है इसका मतलब आधा घंटा फाइनल है। तो जुड़े रहिए। अरे लक्कू किसके पास गया है? आज तो भाई सबके पास खेल रही है लक्कू तो। हमारे दिन को अच्छे से लक्ष्य ने एंजॉय किया है और पूरे दिन भर इतनी सारी एक्टिविटी की इसने। और इसका जो शेड्यूल है वो मेरे को लग रहा है शादी के टाइम पे 4-5 दिनों के अंदर बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये डेली दोपहर के अंदर सो जाती है और आज तो बिल्कुल भी नहीं सही है। और देखो इसको हंस कैसे रही है, देखो इसकी नौटंकियाँ, देखो 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 इसके मतलब बहुत एक्टिंग करने लगी है ये। देखो देखो पापा के साथ मस्ती कर रही है, पापा के साथ मस्ती कर रहा बेटा बाबू। और पापा इसकी मम्मा ने भी आते ही मतलब घर पे आते हैं, देखो वर्दी चेंज कर ली है। और आज के दिन के अंदर सच बताओ कितनी बार ड्रेस चेंज की, कितनी ड्रेसें पहन ली? मैं मतलब सुबह जब नहाई तब एक ड्रेस, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5वीं ड्रेस मतलब औरतों का देखो देखो यही रहता है। सुबह से पांच ड्रेसें कुछ ने चेंज कर ली। और अभी तो हालत मतलब वैसी, छोटे बच्चे के साथ शादी में छोटा बच्चा भी परेशान होता है, उसकी मम्मी परेशान होती है, दोनों परेशान होते हैं। चल खड़ी हो जाए। और ये तो है ना बहुत सारा एंजॉय किया इसने चूहे ने और सबसे मतलब मिलके आई है। और सेलू तो मतलब इसको फर्स्ट टाइम देखा है सेलू ने, मतलब होने के बाद फर्स्ट टाइम गोदी में लिया सेलू ने। तो आज वैसे हमने बहुत काफी सारा एंजॉय किया, इसको बहुत सारा अच्छा भी लगा। और आप लोगों के लिए हमने टाइम निकाला और मतलब आगे भी निकालेंगे जो मोमेंट होते हैं। मैं मतलब पूरे मोमेंट तो नहीं शूट कर पाया था व्लॉगिंग के अंदर, लेकिन फिर भी जितने हमसे हो पाए उतने व्लॉग के अंदर हमने शूट किए हैं। और आज का जो शादी जो है वो इनके सगे चाचा जी के, मेरे सगे चाचा जी मतलब मेरे दीदी की और भाई की शादी है, छोटे मेरे भाई बहन है उनकी शादी है। तो बहुत सारा मतलब प्यारा वाला ये मोमेंट लाइफ का होने वाला है और इसको लक्ष्य बेटा के साथ फुल एंजॉय करने वाले हैं हम। फर्स्ट शादी है लक्ष्य। हाँ, और लक्ष्य तो मतलब बहुत ही उत्साहित हो रखी है शादी को लेकर। उत्साहित और मेरे को रियलिटी में मेरे को भयंकर वाला ऐसे डर सा ही लग रहा है कि बीमार नहीं हो जाए क्योंकि केयर करना पड़ता है। मतलब बच्चा अगर छोटा रहता है ना तो आपको हर चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब बच्चे को संभालना और सारे काम भी करना। काम भी तो क्या आजकल काम तो इतना नहीं होता शादियों में, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं। तो आज विनायक पूजन का जो ब्लॉग था वो यहीं पे करेंगे समाप्त। और कल हल्दी का प्रोग्राम है तो उसका हम अच्छे से व्लॉग शूट करेंगे। तो आप इस ब्लॉग को सपोर्ट करोगे तो गाइस आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और एक लाइक जरूर करना। जय श्री राम।